नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दिन संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसके ऑलरेडी 2 पार्ट आ चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो भी दे दिए हैं, साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी दे दिए। प्लेलिस्ट में आपको क्लासिक से लेकर के 8 तक के एंड उसके आगे के भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप जाकर के वीडियोस को पहले देख लें तो बेटर रहेगा आपका पार्ट 3 समझने में। अदरवाइज हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर पार्ट 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और जिन लोगों को इनके नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नोट्स के लिंक दे दिए, जाकर के आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था किनके बारे में, अंग्रेज हमारे देश में कैसे आए, उन्होंने अपने हमारे देश में व्यापार को कैसे स्टार्ट किया एंड युद्ध की स्थिति कैसे पैदा हुई। पार्ट 2 में हमने प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध डिस्कस किया था। पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करेंगे टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य जो भी लड़ाइयाँ हुई, मराठा और अंग्रेजों के मध्य जो लड़ाइयाँ हुई, साथ ही साथ अंग्रेजों ने किस प्रकार से हमारे देश में अपने साम्राज्य को स्थापित किया और उन्होंने सेना का गठन जो किया था, उनमें किन लोगों को भर्ती किया, कैसे किया, इस चीज़ को हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार पार्ट 1 में देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि औरंगजेब जो थे ये आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। इसके बाद में जो भी बादशाह हुए वो ताकतवर नहीं थे, कमजोर बादशाह थे, ठीक है। और इसके बाद में सबसे आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जिन्होंने 1757 की जो क्रांति हुई थी उसमें मतलब इन्होंने नेता बनकर सामने आए, फिर अंग्रेजों ने इनको देश निकाला दे दिया और इनके बेटों को मार डाला। तो ये हमने पार्ट 1 के इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। फिर पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना किस प्रकार से हुआ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में कैसे आई, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमारे यहाँ पर पुर्तगाली आए थे, फिर हमारे यहाँ पर डच आए थे, फिर हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए थे और फिर हमारे यहाँ पर फ्रांसीसी आए थे, इस रास्ते से आए थे। इसके बारे में हमने पार्ट 1 में जानकारियाँ प्राप्त की हैं। फिर हम आगे बढ़े और हमने ये देखा कि किस प्रकार से विदेशों में यानी कि यूरोप की बाजारों में सूती कपड़े, रेशम और काली मिर्च की बहुत अधिक मांग हुई जो हमारे देश से जाती थी, इससे व्यापार में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, ठीक है। फिर जो व्यापारिक कंपनियाँ हमारे यहाँ पर आती थी, यानी जो फ्रांसीसी थे, डच थे, अंग्रेज थे और ये हमारे जो भी थे, इन सभी के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। फिर जो व्यापार था ये हथियारों के बल पर किया जाने लगा, यानी कि इसमें लड़ाइयाँ काफ़ी होने लगी। फिर जो व्यापारी कंपनियाँ थी उन्होंने अपनी चौकियाँ और किलेबंदी करना शुरू कर दिए। यहाँ तक जो हमारे स्थानीय शासक थे उन्होंने इनके बीच में सुलह नहीं करा पाए, यानी कि व्यापार को व्यापार के लिए नियम नहीं बना पाए और इसमें स्थानीय शासकों के साथ में फिर धीरे धीरे इनका टकराव होने लगा। और फिर इसमें स्थानीय शासकों की बहुत बड़ी गलती ही, जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था पार्ट 1 में। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार किस प्रकार शुरू करती है, इस को हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया, ठीक है। और फिर इसने यहां पर क्या क्या किया ये सब हमने देखा। फिर व्यापार से युद्ध की स्थिति कैसे पैदा होती है ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। यहां तक पार्ट 2 आपका प्लासी के युद्ध से स्टार्ट होता है। प्लासी के युद्ध हुआ था आपका सिराजुद्दौला और किसके बीच में, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ठीक है। ये 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, ठीक है। और संयोग बस देखना 1857 में पहली क्रांति हुई थी जो कि सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। तो जब 1757 में मतलब प्लासी का युद्ध हुआ था तो इसमें सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने हरा दिया था, ठीक है। और इसके 100 साल बाद सैनिक विद्रोह हुआ था। तो इसके बारे में हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था, कब, पार्ट 2 में। और इसके बाद में हमने बक्सर का युद्ध डिस्कस किया। आप देख रहे हैं एक एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है हमने हाईलाइट करके भी रखा है, ठीक है। जो कठपुतली नवाब थे वो किसे कहा जाता था, मीर जाफर ने विरोध कैसे किया, फिर कासिम कौन था, ठीक है, मीर जाफर कौन था, मीर कासिम कौन था, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था कंपनी और मीर कासिम के मध्य में, इन सभी चीजों को हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया। फिर कंपनी किस प्रकार से नवाब बन गई थी बंगाल के, इसको भी हमने पार्ट 2 में ही डिस्कस किया। हम आगे बढ़ते हैं कि कंपनी का शासन किस प्रकार से फैला ये हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया, किस प्रकार से सहायक संधि लेकर किया है, ठीक, किस प्रकार से उन्होंने रेजिडेंटों को तैनात किया, सहायक संधि लेकर किया है, सहायक संधि किसे कहते हैं, ठीक है। फिर हैदराबाद, अवध और जो आपका ये हैदराबाद था, अवध था, यहाँ पर उन्होंने किस प्रकार से अपने मतलब लोगों को स्थापित किया, वहाँ के शासकों को कैसे उन्होंने मजबूर कर दिया, इन सभी चीज़ों को हमने पार्ट 2 में देखा। फिर हमने यहाँ पर ही देखा कि जो रेजिडेंट थे उनकी ताकत क्या होती है एंड पार्ट 3 आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, टीपू सुल्तान से। टीपू सुल्तान देखो इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है, हमेशा याद रखना, जो टाइम पीरियड, जैसे कि हम बात करें 1700 से, ठीक है, 1700 से और 1800 की बात करें, ठीक है, 1800 की, तो 1700 1800 के बीच में जितने भी शासक होंगे
जो भी इतिहास मिलेगा वो पूरा का पूरा इतिहास एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। एंड जो हम क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये आपकी मिलती है आधुनिक भारत के इतिहास पर आधारित। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर लास्ट जो है आपका 10 वाला चैप्टर, कौन सा 10 वाला, ठीक है। तो सभी चैप्टर को डीपली पढ़ना क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड पार्ट 3 में हम टीपू सुल्तान के बारे में एंड साथ ही साथ जो मराठा थे इनके बारे में पढ़ेंगे और दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं, जिनके बारे में आगे आपको जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको पॉइंट मिलता है, देखो शेरे मैसूर क्यों कहा गया था इसके बारे में बाद में जानकारियां प्राप्त करेंगे, पहले हम मैसूर के बारे में पढ़ते हैं, टीपू सुल्तान के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट मिलता है हैदर अली और दूसरा है आपके सामने कौन, टीपू सुल्तान। तो हैदर अली का शासनकाल था 1761 से लेकर के 1782 के बीच में, ठीक है। इन्होंने 1761 से लेकर के 1782 के बीच में मैसूर पर अपना क्या शासन जमाया था, यहाँ पर इन्होंने राज किया था। फिर टीपू सुल्तान का राजा था, टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। इसने 1782 से लेकर के 1799 के बीच में कहाँ पर, मैसूर पर अपना राज किया था, ठीक है, वहाँ पर राज अपना स्थापित किया था, ठीक है। तो याद रखना हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 1761 से लेकर के 1799 तक, 1761 से लेकर 1799 के बीच में ये जो टीपू सुल्तान और हैदर अली था इन दोनों का शासनकाल रहा था कहाँ पर, मैसूर पर। तो इन दोनों के शासनकाल में बहुत ही शक्तिशाली शासक थे और इनके नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था, यहाँ पर काफ़ी अधिक शक्ति आ चुकी थी। मालाबार तट था एक जहाँ पर जो व्यापार, यहाँ पर व्यापार बहुत ही बड़ी मात्रा में होता था, तो मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, कि ये कंट्रोल करते थे कि मालाबार तट पर जो भी व्यापार होंगे वो किस प्रकार से होंगे, वहां पर कितना कर लगेगा, क्या क्या होगा, वो पूरा कंट्रोल कौन करते थे, ये मैसूर रियासत वाले, ठीक है। यहां से जो कंपनी थी वो काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, कहां से, मालाबार तट से। याद रखना जब कंपनी अपने खतरे को देखती थी, जैसे कि भाई मालाबार तट से ये इलायची और काली मिर्च को खरीदते थे, अगर इनको खतरा लगा, बिल्कुल भी खतरा देखते थे कि भाई हाँ हमारा व्यापार यहाँ से ख़त्म होने वाला है, तो वहाँ पर ये युद्ध छेड़ देते थे और ऐसी संभावनाएं गढ़ देते थे कि इनके परिस्थितियाँ जो इनके पक्ष में आ जाए, मतलब ये कूटनीति बहुत चलते थे, युद्ध ये ताकत पर अधिक भरोसा नहीं रखते थे, ठीक है, ताकत कम दिखाते थे, ये चाल बहुत चलते थे, मतलब षड्यंत्र रचा करते थे ऐसे समझो, ठीक है। तो मालाबार तट पर जो व्यापार होता था वहाँ से काली मिर्च और इलायची कौन, ये कंपनी वाले खरीदते थे। 1785 का समय आता है और टीपू सुल्तान ने क्या किया, 1782 में टीपू सुल्तान शासक बनता है और 1785 में यानी कि 3-4 साल के बाद में टीपू सुल्तान क्या करता है, इसने अपने रियासत में पड़ने वाले जो बंदरगाह थे वहाँ से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची इनके निर्यात पर रोक लगा दी। क्या किया, ये कह दिया कि भाई आज के बाद यहाँ से बाहर कोई भी चीज़ें नहीं जाएंगी, जो भी चीज़ें हैं स्थानीय लोग ही इनका उपयोग करेंगे। अब स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए रोक दिया गया कि भाई स्थानीय सौदागर यानी कि छोटे छोटे जो व्यापारी थे, ठीक है, स्थानीय सौदागर जैसे कि आप देखो बड़े बड़े व्यापारी और छोटे व्यापारी, जो छोटे व्यापारी थे उनसे भी वो लोग भी कंपनी के साथ में व्यापार नहीं कर सकते, ऐसे प्रतिबंध लगा दिए टीपू सुल्तान ने। प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो भाई नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, गेहूँ पर प्रतिबंध लगा दिया है कि भाई अब गेहूँ का निर्यात नहीं होगा, ठीक है। अभी क्या है कि जो कृषि कानून आया था अगर वो लागू हो गया होता तो प्राइवेट सेक्टर के साथ में जो प्राइवेट कंपनियां थी उनके साथ में जो पहले से अगर इन लोगों ने मतलब रजिस्ट्रेशन मतलब पहले से जो बांड तैयार करके रखे होते मतलब पहले से इसमें क्या होता था बांड भर दिए जाते थे। जो कृषि कानून नया आया था उसमें ये नियम दिया गया था कि पहले से ही मतलब पूरा बांड भर दिया जाएगा और डिमांड के आधार पर तुम्हें चीज़ की सप्लाई करनी होगी। तो अगर वो कानून लागू हो गया होता तो प्राइवेट सेक्टर वाले अभी विदेशों में गेहूँ बेच करके पैसा कमा सकते थे, लेकिन अभी कृषि कानून आया नहीं है तो अब अगर किसी विदेश को गेहूँ खरीदना है तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ में ही कॉन्टैक्ट करेगा, उससे ही गेहूँ ले सकता है। एंड वो जो गेहूँ जाएगा उस पर भी अगर देश चाहेगा तो ही गेहूँ देगा, नहीं तो नहीं देगा। टीपू सुल्तान ने क्या किया था, किसके ऊपर, चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची, इन तीनों पर प्रतिबंध लगा दिया था कि भाई अब इसे नहीं मतलब इसका निर्यात नहीं किया जाएगा, निर्यात को रोक दिया था। और जो स्थानीय सौदागर थे यानी जो प्राइवेट लोग थे जो अलग से व्यापार किया करते थे उनको भी रोक दिया कि आप कंपनी के साथ में व्यापार नहीं कर सकते। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले
सारे जो फ्रांसीसी व्यापारी थे इनके साथ में घनिष्ठ संबंध विकसित किए, यानी मित्रता विकसित की। जैसा आप देख रहे हैं आज इसराइल के साथ में हमारे भारत देश के हैं, साथ ही साथ हमारे रूस के साथ में भारत देश के। इसी प्रकार से टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ में घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, यानी कि अपने सेना को क्या किया, आधुनिक बना दिया, यानी कि नई टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया उस टाइम पर जो नई टेक्नोलॉजी आई थी। ठीक है, सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गया। अब देखो अंग्रेजों को ऐसा लगा, भाई एक बात बताओ भाई, आपकी क्या है कि आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है, और क्या है कि आपकी जो वाइफ है आप उसके रहते अगर आप किसी और लड़की को अपने साथ में रखने के लिए ले आओगे तो आपकी पत्नी तो आग बबूला हो ही जाएगी। अब अंग्रेज यहाँ पर व्यापार कर रहे थे, अंग्रेज पूरे देश में अपना नियंत्रण चाहते थे, वहाँ पर आपने क्या किया, फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ में मित्रता कर ली, मतलब दूसरे के साथ में आप एक सौतन लेकर के आ गए, तो अंग्रेज यहाँ पर आग बबूला हो गए। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान ने उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही महत्वाकांक्षी घमंडी और नाग दिखाई देते थे। जो ये अंग्रेज थे, महत्वाकांक्षी कटुआ जिसकी आकांक्षाएं कभी समाप्त ना हो, यानी कि एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा जाग गई, दूसरी इच्छा पूरी हुई तो तीसरी इच्छा जाग गई, यानी कि इच्छाओं को कभी अंत ना जिसकी हो, ठीक है, वो महत्वाकांक्षी कहलाया जाता है जिसकी कई सारी इच्छाएं हो। ठीक है, तो जो टीपू सुल्तान और हैदर अली थे, इन ये दोनों अंग्रेजों को बहुत ही महत्वाकांक्षी लगने लगे कि ये बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा घमंडी लगने लगे थे क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के साथ में अपने सारे संबंध तोड़ दिए थे धीरे धीरे, और खतरनाक भी दिखाई देते थे क्योंकि इन्होंने अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर लिया था। साथ ही साथ ये जो लोग थे, टीपू सुल्तान और जो हैदर अली थे, इन्होंने क्या किया था, मतलब फ्रांसीसियों के साथ में अपने अच्छे संबंध विकसित कर लिए थे और इनकी जो पहले से ही बहुत ही ताकतवर थे। ठीक है, तो इन अंग्रेजों को ये खतरा दिखाई देने लगे, अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, मैसूर के साथ में अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। पहली जंग हुई थी 1767 से लेकर के 1769 के बीच में, कब, 1767 से लेकर के 1769 के मध्य में। दूसरी जंग हुई थी 1780 से 84 के बीच में, जो कि 4 साल चला था। फिर 1790 से 92 के बीच में युद्ध हुआ था, जो कि ये भी 2 साल तक चला, 2-3 साल तक चला था। फिर हुआ था 1799 में आखिरी वो युद्ध। अब इन चारों युद्धों के बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला युद्ध जब हुआ था तो कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मतलब कई बार हराया था, वो तो मतलब अलग की बात है, लेकिन 1792 में मराठा हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त सेना, जो संयुक्त फौज थी, इसके हमले के बाद में टीपू सुल्तान को अब अंग्रेजों के साथ में संधि करनी पड़ी थी। अब समझो, देखो जो पहला युद्ध हुआ था इसमें टीपू सुल्तान जीता, दूसरे युद्ध में भी ऐसा ही कुछ हुआ, तीसरे युद्ध में भी ऐसा ही कुछ हुआ। ठीक है, तीसरे युद्ध में ऐसा नहीं हुआ था, तीसरे युद्ध में संधि हो गई थी, ठीक है, जो कि 1792 के युद्ध हुआ था। इससे पहले मराठाओं को इन्होंने, मराठाओं के साथ में अंग्रेजों की संधि हुई थी, जिसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप बाद में पढ़ें, अभी आप इतना समझो कि 1792 में जो युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है, जो 1790 से 92 तक युद्ध चला था, इसमें अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजों की जो सेना थी, साथ ही साथ मराठाओं की सेना थी, हैदराबाद के निजाम थे, साथ ही साथ कंपनी की भी फौज थी। तो तीनों सेनाओं ने मिलकर के टीपू सुल्तान के ऊपर आक्रमण किया। जब मिलकर के आक्रमण किया गया तो अंग्रेजों के साथ में इनको संधि करनी पड़ी, किसको, टीपू सुल्तान को। ठीक है, फिर संधि के तहत क्या हुआ, उसके दोनों बेटों को, टीपू सुल्तान के 2 बेटे थे, इन दोनों बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास में रख लिया। ठीक है, फिर चौथे अर्थात श्री रंगपट्टम, जो चौथा युद्ध हुआ था 1799 में, इसे श्री रंगपट्टम का आखिरी जंग कही जाती है। ठीक है, इसमें कंपनी को सफलता मिली, अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया था और मैसूर का राज का जो था वो पुराने बाडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया, यानी कि इससे पहले जो वहाँ पर राजा शासक थे टीपू सुल्तान और उनके पिता से पहले, हैदर अली से पहले जो वहाँ के शासक थे, उनके हाथों में वहाँ का जो राजकाज था वो सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई, मैसूर की सेना को छीन लिया गया और वहाँ पर अंग्रेजों की सेना रक्षा करने लगी उसके बदले में उनसे। सहायक संधि के बारे में हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था, आप जाकर के एक बार पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सहायक संधि उसके ऊपर थोप दी गई। फिर क्या हुआ, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर क्यों कहा जाता है, एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कहा जाता है कि एक बार की बात है, फ्रांसीसी दोस्त और टीपू सुल्तान दोनों थे, फ्रांसीसी दोस्त के साथ में जंगल में शिकार करने के लिए टीपू गया थे। ठीक है, और वहाँ पर एक शेर उनके सामने आ गया, टीपू सुल्तान के सामने एक शेर आ गया और उसकी बंदूक ने मौके पर साथ
नहीं दिया, पता नहीं बंदूक चली नहीं और उनकी जो कटार थी वो ज़मीन पर गिर गई। फिर टीपू सुल्तान भी मतलब क्या वो उसने निहत्ते शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उसके हाथ में लग गई, उसने हाथ में उठा ली और अंत में उसने शेर को मार गिराया। इसी के बाद में उन्हें शेर मैसूर कहा जाता है, उसके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। तो ये मतलब एक बात है, फैक्ट है जो कि कहा जाता है, इसलिए टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है क्योंकि टीपू सुल्तान ने एक शेर को मार गिराया था, ठीक है, इसलिए टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब मराठों के साथ में जो लड़ाई हुई थी इनकी, उसको भी एक बार देख लो कि इनकी लड़ाई हुई थी अंग्रेजों की। समझो 18वीं शताब्दी के आखिरी में क्या हुआ, कंपनी मराठों की ताकत को काबू करने और ख़त्म करने के लिए सोचने लगी थी। कब? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी यानी कि 1700 से और 1800 के बीच में, 1700 से 1800 के बीच में, ठीक है, इसे 18वीं शताब्दी कहा जाता है। तो इस बीच में अंग्रेजों को लगने लगा कि भाई अब हम सक्षम होने लगे हैं और अब हमको मराठा लोगों को काबू करना चाहिए और इनको ख़त्म कर देना चाहिए। तो 1761 में क्या हुआ था, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में अहमद साहब दाली और मराठों के बीच में ही लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में मराठों की हार हुई थी। इस लड़ाई पर एक मूवी भी बनी है पानीपत, आप जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, एक बार ज़रूर देखना। तो इसमें क्या हुआ था, मराठाओं की हार हुई थी और दिल्ली से शासन करने का मराठाओं का सपना चूर चूर हो गया था। युद्ध के बाद में मराठा क्षेत्रों को कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर जो थी वो सिंधिया, होलकर, गायकवार और भोसले जैसे राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी यानी राज्य मंडल के सदस्य थे। इसको समझो, देखो क्या हुआ था 1761 में, कब 1761 में, 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ, किसके बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें मराठों की हार हुई थी, हार होने के पीछे कई सारे कारण थे। सबसे पहला कारण तो ये था कि जब इन्होंने मतलब अपने सैनिक अभियान चलाए थे तो इसमें कई सारे शासक इनसे जो मतलब हिंदू शासक थे वो इनसे मतलब इनके पास में संसाधन तो इकट्ठे हो गए थे, पैसा इकट्ठा हो गया था, लोगों ने इनके शासन को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इनसे खफा हो गए थे, इनके विरोध में आ गए थे। तो जब ये पानीपत का युद्ध लड़ने गए तो कई सारे शासकों ने इनकी मदद नहीं की थी, ठीक है, इस वजह से इनकी यहाँ पर हार हुई थी। तो क्या हुआ था, जब इनकी हार हो गई तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठ करके इनका पूरे देश का जो राजकाज था वो चलाने का सपना यहाँ पर टूट गया। फिर क्या हुआ, जो इनकी जब इनकी हार हो गई तो इनके राज्य को चार भागों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, इन जो ये राज थे, ठीक है, इनको कई भागों में बांट दिया गया था, जिनमें सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले इन राजवंशों के हाथों में राज्यों की सत्ता दी गई। और जो ये चार के चारों राजवंश थे ये एक पेशवा के अंडर में आ जाते और पेशवा को सर्वोच्च मंत्री कहा गया था, क्या, सर्वोच्च मंत्री इसके अंडर में आ जाते थे। और जो सर्वोच्च मंत्री था यानी पेशवा जो था इसके अंतर्गत एक राज्य मंडल के सदस्य थे। इस पेशवा जो था, जैसे आप देखते हो कि हमारे यहाँ पर जो आज मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल को लीड करने वाले एक होते हैं स्पीकर और फिर वो उनके आगे सब मंत्रिमंडल वाले बैठते हैं, ठीक है। वैसे मतलब इसके बारे में भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम वो राजनीतिक विज्ञान को पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, तो उसके बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। अभी यहाँ पर क्या होता था, एक पेशवा होता था, पेशवा के अंतर्गत ये मतलब सारे मतलब लोग आते, सारे राजवंश आते, जिसमें आपका ये आ गए सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, ऐसे कई सारे राजवंश थे जो कि इन पेशवा के अंतर्गत आते थे, ठीक, अंतर एक राज्यमंडल के सदस्य थे और ये सभी मिलकर के राज्यों को चलाते थे, ठीक है। पेशवा राज्य मंडल का सैन्य और प्रशासनिक प्रमुख होता था और पुणे में रहता था, पुणे में, ठीक है। महाजी सिंधिया और नाना फडनीस 18वीं सदी के आखिरी के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा एवं राजनीतिज्ञ थे। इनके बारे में याद रखना, कौन से, महाजी सिंधिया और नाना फडनीस, ठीक है, ये 18वीं सदी के आखिरी दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनेताज्ञ थे जिनकी बहुत ही प्रसिद्ध देखने को मिलता है। इनके बारे में डिटेल में हमको क्लास 12th में पढ़ने को मिलेगा, तब तक के लिए अभी इतना ही दिया गया। एंड अभी आप अगर इनके बारे में जानना चाहते हैं, देखो एनसीईआरटी पढ़ने का रूल याद रखो, एनसीईआरटी में बहुत ही कम टॉपिक दिए जाते, जो भी इतिहास मिलेगा आपको पूरा इतिहास नहीं मिलेगा। जैसे आपने अभी यहाँ पर मराठों की लड़ाई के बारे में पढ़ा, ठीक है, यहाँ पर तो आप इसी को आप टाइप करो गूगल पर सर्च करो, उसके बारे में आर्टिकल को पढ़ो, उससे इंपॉर्टेंट जानकारी जो भी उसको नोट कर लो, ठीक है, और उसको याद रखना। ऐसे एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे आपने महाजी और नाना फडनीस के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो इनको आप टाइप करो गूगल पर, ठीक है, और उनके बारे में डिटेल में जानकारी निकालो और फिर उसको चाहो तो प्रिंट करवा लो, उसको अपने पास रखो, उस पर नोट्स बनाओ, उनको पढ़ो, ठीक है। ऐसे एनसीईआरटी को पढ़ाता है। फिलहाल इस पर भी हमारी जो एनसीईआरटी की सेकेंड रीडिंग होगी, सेकेंड रीडिंग में हम रिसर्च वर्क करेंगे, तो एक एक टॉपिक पर जो भी डिटेल में वीडियो आएंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो एक के बाद एक कई युद्ध अंग्रेजों, कंपनी और मराठों को के बीच में हुए थे, जिसमें मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। देखो क्या हुआ था,
पानीपत के युद्ध के बाद में मराठों की शक्ति कम पड़ गई थी, ठीक है। इसके बाद में अंग्रेजों ने इनके ऊपर आक्रमण किया, ठीक है। तो एक के बाद एक कई सारे युद्ध हुए कंपनी और मराठों के बीच में, जिसमें मराठों को कंपनी ने घुटने पर ला दिया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1782 में, कब 1782 में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये साल बाई की संधि के साथ में खत्म हुआ था। अब साल बाई की संधि काफ़ी बड़ी है, ठीक है। इसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, एंड जब इस पर मतलब रिसर्च वर्क करके वीडियो लाएंगे, एनसीईआरटी की सेकेंड रीडिंग होगी, तब इसके बारे में हम डिटेल में लाएंगे। अभी आप इतना जान लो कि जो साल बाई की संधि हुई थी, इसके तहत मराठों के साथ में एक ये कहा गया था कि जो मराठा हैं, मराठों को अंग्रेजों ने मतलब शासक स्वीकार कर लिया था, एंड उसके बदले में कई सारे बातें हुई थी, जिनमें से एक बात ये थी कि मराठा लोग टीपू सुल्तान जो थे और हैदर अली को हराने में ये मराठा लोग उनकी सहायता करेंगे अंग्रेजों की, ये भी एक संधि हुई थी। साथ ही साथ कई सारी इसमें बातें कही गई थी, जिनके बारे में डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो गूगल पर टाइप करो, एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो साल बाई की संधि हुई थी 1882 में, जब अंग्रेजों और मराठों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें कोई भी जीता नहीं था। सालबाई की संधि के साथ में युद्ध खत्म हो गया था। फिर 20 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। 20 साल तक कुछ भी नहीं, तो दूसरा आंग मराठा युद्ध हुआ 1803 से 5 के बीच में। ये 2-3 साल तक युद्ध चला था। परिणाम स्वरूप 1803 में देवगांव की संधि हुई थी, और तथा उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, पहले मराठों के साथ में पहली संधि कर ली, ठीक है। पहले इनको क्या किया, कमजोर कर दिया, युद्ध किया, कमजोर किया, फिर इनसे संधि कर ली, ठीक है। संधि कर ली, इनको मित्र बना लिया, फिर धीरे धीरे अंदर से खोखला करते गए। फिर 1803 में आते आते इनके ऊपर अटैक किया, फिर देवगांव की संधि की, और इसी संधि के साथ साथ उड़ीसा यमुना के उत्तर में कई सारे जो इलाके थे, आगरा हो गया, दिल्ली सहित कई सारे भूभाग अंग्रेजों ने अपने कब्जे में यहाँ पर ले लिए, ठीक है। फिर 1817 में से 19 के बीच में एक और युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध से कहा गया था, ठीक है। इसमें मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया था, और जो पेशवा था, जिसे सर्वोच्च मंत्री कहा गया था, जिसके अंतर्गत सभी जो राजवंश थे वो आते थे, उसके मतलब इसके अंतर्गत एक राजमंडल में सभी सदस्य थे, जो भी मतलब राजवंश थे, जैसे कि आपका सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले हैं, ये सभी इसी के अंतर्गत आते थे। तो पेशवा को पुणे से हटा दिया गया और कानपुर के पास में पेंशन पर भेज दिया गया कि भाई अब आपको ये पेंशन मिलेगी और आप पेंशन को लीजिएगा और आराम कीजिएगा। मराठों की ताकत को यहाँ पर पूरी तरह से अंग्रेजों ने कुचल दिया था। अब बिंद के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया था, जो बिंद का इलाका था, ठीक है। बिंद और सतपुड़ा वाली जो रेंज आपको मिलती है, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि इस इलाके में पूरे भाग पर कंपनी का नियंत्रण धीरे धीरे स्थापित हो चुका था। फिर क्या हुआ, इसके बारे में डिटेल में आपको अगर पढ़ना है तो 12th में पढ़ने को मिलेगा, अदरवाइज इस पर हम रिसर्च एंड वीडियो लाएंगे, तब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना। अभी ये बेसिक जानकारी दी गई है एनसीईआरटी में, क्लास 8 के एनसीईआरटी, तो उसी हिसाब से आपको डिटेल में जानकारियाँ ज़्यादा नहीं मिलती हैं। अब सर्वोच्चता का दावा अंग्रेज कंपनियाँ करती हैं, जो अंग्रेज की सत्ता थी उसने सर्वोच्चता दावा किया था, कैसे किया था इसके बारे में यहाँ पर देखो। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति, यानी कि बहुत तेजी से नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, क्या नाम था, हेस्टिंग्स, ठीक है। इन्होंने 1813 से लेकर 1823 तक के गवर्नर जनरल रहे थे, 10 साल तक ये गवर्नर जनरल रहे थे। इनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू हुई थी, ठीक है। कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता जो है वो सर्वोच्च है, यानी कि उनसे अच्छी सत्ता कोई और भारत में चला नहीं सकता, यानी कि ये सबसे ऊपर हैं, जितने भी भारतीय शासक हैं इनसे ऊपर इनकी सत्ता है। इन्होंने ये दावा किया था, और उनकी सत्ता इसलिए वे भारतीय राज्यों से ऊपर है। इन्होंने क्या कहा था, इनकी जो ये इन्होंने दावा किया था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर हैं। अब देखो, मतलब एक बात होती है कि भाई आप हमारे देश के राजाओं की जो सत्ता है वो कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, लेकिन हमारे लोग हमारे ऊपर राज करें, ये उसका एक बात अलग ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अंग्रेज़ जो आए थे, अब इन्होंने ये बात क्यों कही थी जानते हो, इन्होंने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि भारतीय शासक जो थे वो इन व्यापारियों को रोक नहीं पाए, ठीक है, कि व्यापारियों को रोक लें। अब मतलब ये राजा थे और ये व्यापारी बन करके आए थे, ठीक है, इनके बीच में एकता नहीं थी। देखिए, इन्होंने सर्वोच्च क्यों कहा जानते हो, क्योंकि इनका मानना था कि जो ये हमारे भारतीय शासक हैं ये धर्म को लेकर के एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, ठीक है, साथ ही साथ मतलब जगह को लेकर लड़ते झगड़ते रहते हैं, ठीक है, जातिवाद को लेकर समाज में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, ना ये व्यापार को कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही धर्म को लेकर के बहुत सारी मान्यताएँ हैं, इसके अलावा भूत पिशाच वाली बहुत सारी मान्यताएँ थी, इसके अलावा बहुत सारी रूढ़ियाँ चली
लिए आ रही थी, तो इन्होंने कहा था कि भाई जो भारतीय शासक हैं उनसे ऊपर हैं, भारतीय राज्यों से ऊपर हैं, हमारी सत्ता सर्वोच्च है क्योंकि हम हर तरह से कंट्रोल करने के लिए पूरे तैयार, इन्होंने ये बात का दावा किया था। लेकिन ये प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली, जो इन्होंने दावा किया था इस दावा को सभी ने स्वीकार नहीं किया, बिना रोक टोक इनकी ये प्रक्रिया नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, जो कि आज कर्नाटक के नाम से जाना था, यहाँ इसके छोटे राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया था, तो यहाँ पर रानी थी रानी चेन्नम्मा, इन्होंने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने जब सर्वोच्चता का दावा किया तो इनको सभी ने स्वीकार नहीं किया था, ठीक है, बेरोक टोक इनकी सत्ता नहीं चलेगी। अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने सर्वोच्चता का दावा क्यों किया जानते हो? इन्होंने सर्वोच्चता का दावा इसलिए किया ताकि आम जनता ये जाने कि भाई हाँ, वो ये कह लें कि भाई हमारी सत्ता सर्वोच्च है, तो आम जनता यहाँ पर जो यहाँ के राजा हैं उनकी सत्ता को अस्वीकार कर दे, राजा जो तो राजा स्वीकार कर लें कि हाँ इनकी शासनकाल अच्छा होगा तो इनको हम अपना राजा माने। इन्होंने जनता के बीच में अपने राज्य को स्वीकार करवाने के लिए अपने आप की अपनी सत्ता को सर्वोच्च बताया और ये कहा कि हम सभी भारतीय राज्यों से ऊपर हैं। लेकिन इनकी ये बात बेरोक टोक चली नहीं, ठीक है, जब भी ये कहाँ कहीं भी मतलब किसी भी इलाके में अपना राज्य स्थापित करने के लिए गए तो वहाँ पर इनके ऊपर मतलब हमला किया गया और इनसे वहाँ पर टक्कर ली गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रानी चेन्नम्मा का एक उदाहरण देखा जिन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था और ये कहाँ की कर्नाटक की रानी थी जिसको पहले कित्तूर कहा जाता था, ठीक है। 1824 में इनको गिरफ्तार किया गया, 1829 में इनकी जेल में मृत्यु हो गई। अब चेन्नम्मा की जैसे ही मृत्यु हुई, ठीक है, चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार था जिसका नाम था रायन्ना, रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा, ठीक है। रायन्ना ने क्या किया, इस प्रतिरोध को अपने नियंत्रण में ले लिया, चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया, जो ब्रिटिश शिविर थे उनको नष्ट कर दिया, दस्तावेजों को नष्ट कर दिया, आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 1830 में फांसी पर लटका दिया। 1830 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत ही अधिक डरी हुई थी, ठीक है। अच्छा जब इनको 1830 में फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है, तब धीरे धीरे ये प्रतिरोध जो है दबने लगा था। देखो दो लोगों को फांसी मतलब मृत्यु इनकी रानी की हो गई और इसे रायन्ना की मृत्यु हो गई, बाकी सारे लोग डर गए। यहाँ के भारतीय लोगों की मेंटेलिटी जानते हो क्या है, अगर देखो भारतीय लोग जो है कुछ भी कर सकते हैं, अगर इनसे कहो कि भाई आपको हेलीकॉप्टर बनाना है, कुछ भी ना आता हो ये पढ़े लिख कर हेलीकॉप्टर बना सकते हैं, आप इनसे कहो आपको गूगल को हैक करना है, ठीक है, इतना टैलेंट है गूगल को हैक कर सकते हैं, अगर इनसे कहो कि भाई दुनिया के सबसे अच्छी अपो टेक्नोलॉजी तैयार करनी है कर लेंगे, लेकिन इनसे करवाने वाला चाहिए। यहाँ पर जब तक रायन्ना ने लीड किया, देखो चौकियों को नष्ट कर दिया गया, ब्रिटिश शिविरों को नष्ट कर दिया गया, ठीक है, ब्रिटिश दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया, जैसे ही रायन्ना गया इन सभी लोग अपने अपने घर पे चले गए, ठीक है, फिर इनको लीड करने वाला कोई नहीं रहा, यानी कि ये अपने अपने घर को चले गए। 1830 के दशक में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरने लगी थी, कंपनी को ये भय लग रहा था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को अपनी चपेट में ना ले ले। रूस बहुत ही शक्तिशाली था, ठीक है, इसे पहले सोवियत संघ कहा जाता था, सोवियत संघ को पहले कई सारे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया था जिससे छोटे छोटे देश निकले थे। तो जब रूस का प्रभाव हमारे इधर तरफ बढ़ने लगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे डर लगने लगा, इसी डर के चलते अंग्रेज उत्तर पश्चिम भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे कि अगर उत्तर पश्चिमी भारत में जहाँ पर आज आप देखते हो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ठीक है, ये और कश्मीर, यहाँ पर ये अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इनको ऐसा लगता था कि अगर हमने यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया तो ऊपर तरफ से रूस हमारे ऊपर क्या है कि उत्तर पश्चिमी इलाके से हमारे ऊपर मतलब अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच में अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर दिया, ठीक है, अप्रत्यक्ष यानी कि उन्होंने कंपनी के मतलब अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का शासन स्थापित किया, यानी कि वो खुद वहाँ पर नवाब या फिर राजा नहीं बनकर बैठे बल्कि वहाँ के जो सकते वही राजा रहे लेकिन इनके अंडर में रहते थे, ठीक है। फिर 1843 में सिंध अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। 1839 में क्या हुआ, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में पंजाब से अंग्रेजों की दो लंबी लड़ाइयां हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को भी अधिग्रहण कर लिया, यानी कि ये सारे इलाकों में देखो अफगानिस्तान में कब 1838 से 42 के बीच में अफगानिस्तान में लड़ाई हुई, फिर यहाँ पर अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया गया, फिर 1843 से में सिंध अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, यहाँ पर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, फिर 1839 से देखो 38 से अगर आप अगर पूरा ये पूरा का पूरा शासन काल दे हुए तो 1838 से और कब 1838 से 1800 पूरा 1849 के बीच में इन्होंने
क्या किया, उत्तर भारत में अपना पूरा कब्जा कर लिया था, मतलब उत्तर पश्चिमी भारत में। देखो सबसे पहले उन्होंने कहाँ पे किया, अफगानिस्तान में, ठीक है, फिर सिंध में 43 में, फिर 39 में जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो 49 में उन्होंने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने 38 से लेकर के और 49 के बीच में, 38 से 49 के बीच में पश्चिमी आपका जो हमारा उत्तर पश्चिमी भारत है यहाँ पर इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया, यानी कि यहाँ पर अपने शासन को लगा दिया। पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया, सिंध का भी कर लिया, ठीक है, और अफगानिस्तान का भी कर लिया। तो यहाँ पर इन्होंने इतने बीच में अपना अधिग्रहण कर लिया। फिर ये लाए विलय नीति, क्या लाए, जब इन्होंने देखा इतने से काम नहीं चल रहा है, ठीक है, फिर ये अपनी एक और नीति लेकर क्या, जिसको नाम दिया इन्होंने क्या, विलय नीति। अब इसको भी देखो, ब्रिटिश काल में अधिग्रहण की आखिरी बड़ी लहर 1848 से 56 के बीच में गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने कई नीतियां अपनाई जिनमें विलय नीति का नाम दिया गया, ठीक है, मतलब एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति कहा गया। अच्छा, विलय नीति के बारे में कौन कौन पहले से जानता है एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, पहले से कौन कौन जानता है इसके बारे में, थोड़ी बहुत आपने अगर जानकारी प्राप्त की है तो एक बार जरूर बताना, ठीक है। अब इसमें अगला पॉइंट मिलता है, यहाँ पर विलय नीति क्या है इसके बारे में समझो, एक बार याद रखना 1848 से 56 के बीच में लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल रहा था और लॉर्ड डलहौजी ही विलय नीति को लेकर के आए थे। यहाँ पर प्रश्न आ जाता है कि विलय नीति को कौन लेकर के आया, ठीक है। तो इस नीति के अनुसार यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, यानी जैसे कि अभी क्या है कि मतलब कोई शासक है, ठीक है, और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका कोई बेटा नहीं, यानी कि उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, अगर उसकी लड़कियां हैं, मतलब लड़कियां उसकी कितनी हैं, 10 बेटियां हैं और एक भी उसके पास में बेटा नहीं है, ठीक है, तो वो लड़कियां उसके राज्य की उत्तराधिकारी नहीं होंगी। इन्होंने महिलाओं को बिल्कुल एक साइड कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और कोई पुरुष वारिस नहीं, यानी कोई लड़का उसका वारिस नहीं है, तो उसकी जो बारिश का अर्थ होता है उत्तराधिकारी, ठीक है, तो उसकी जो रियासत है वो हड़प ली जाएगी, यानी कि वो अंग्रेजों के अंडर में आ जाएगी, यानी वह कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले उन्होंने सतारा का अधिग्रहण किया 1848 में, ठीक है, अधिग्रहण सतारा का विलय कर लिया वहाँ के जो राजा थे। अच्छा, जो राजा हुआ करते थे इनके पुत्र क्यों नहीं होते जानते हो, जैसे आपने देखा कि भाई ये जब ये नीति लेकर के आए जिसका कोई पुरुष वारिस नहीं होगा तो राजा लोग कई सारी संतानों को पैदा करें और पुत्र भी उनमें से एक हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन इनके पुत्र क्यों नहीं होते थे जानते हो, ये अपने इनके घर में ही कई सारे षड्यंत्र चलते रहते थे, जैसे कि इनके चाचा ताऊ के बेटे हैं, ठीक है। अभी आपने देखो झांसी की रानी वाला सीरियल पहले आता था, उसमें काफ़ी सारे इन चीज़ों को दिखाया गया था, ठीक है। तो क्या था कि इनके घर में ही षड्यंत्र चलते रहते थे, जैसे ही कोई बच्चा मतलब पेट में आता था तो उसको गिराने के लिए कई सारे षड्यंत्र चलते थे, कुछ खिला पिला दिया जाता था, जहर बहुत टाइप के चलते थे पहले, ठीक है, ऐसा जहर होता था जिसे आप अगर चाट लो, ठीक है, तो तुरंत मृत्यु हो जाती थी, या ब्लड में उसको अगर मिल गया तो 8 दिन के बाद मृत्यु हो रही है, या मतलब अलग अलग प्रकार के जहर चलते थे। तो घर के अंदर ही इतने षड्यंत्र होते थे कि अगर पुत्र होता भी था तो बचपन उसे मार दिया जाता था, या अगर पुत्र मतलब ऐसे षड्यंत्र रचे जाते थे कि पुत्र हो ही ना, तो कई सारे षड्यंत्र चलते रहते थे। इसके चलते क्या हुआ, सतारा का सबसे पहले 1848 में अधिग्रहण कर लिया गया, विलय कर लिया गया। फिर इसके बाद में संबलपुर का 1850 में विलय कर लिया गया। फिर जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है इसका उदयपुर, ठीक है, वर्तमान छत्तीसगढ़ का उदयपुर, इसको 1852 में इसका विलय कर लिया गया, यानी कि ये अंग्रेजों ने इसको हड़प लिया। फिर झांसी का नंबर आता है 1854 में, इसका भी विलय कर लिया गया, क्योंकि झांसी की रानी का दत्तक पुत्र था, यानी कि झांसी की रानी ने इसे गोद लिया था, इनका ये अपना पुत्र नहीं था, ठीक है, दत्तक पुत्र था तो इसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया और क्या किया कि इसका भी अधिग्रहण कर लिया। वैसे झांसी की रानी काफ़ी युद्ध लड़े थे, इनके साथ में बहुत ही वीर रानी थी। फिर आता है नंबर नागपुर का, जिसका 1853 में अधिग्रहण कर लिया, विलय कर लिया गया। फिर 1856 में कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया। अच्छा, अवध को इन्होंने विलय नीति के माध्यम से अपने नियंत्रण में नहीं लिया था, अवध को इन्होंने जो नियंत्रण में लिया था वहाँ पर इन्होंने तर्क दिया था कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए वो कर्तव्य से बंधे हुए, इन्होंने ये यहाँ पर तर्क दिया था कि जो अवध के नवाब हैं वो जनता पर अपना कहर ढा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जनता को बहुत परेशान करते हैं और जनता के ऊपर इनका जो शासन है वो कुशासन यानी कि अच्छा शासन नहीं चला रहे, इसलिए अंग्रेज कर्तव्य से बंधे हुए हैं और अंग्रेजों को अवध पर अपना नियंत्रण स्थापित करना जरूरी है। तो 1856 में इन्होंने अवध पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक है, इसलिए भी अवध पर कब्जा करने को मजबूर है, इन्होंने ये तर्क दिया और परिणाम स्वरूप अवध के लोग 1857 में महान विद्रोह में शामिल हो गए थे। जो 1857 का महान विद्रोह हुआ था इसमें अवध के लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। फिर क्या नए साल
1857 का विद्रोह हुआ था उसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले के अगले चैप्टर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। अब नई शासन व्यवस्था किस प्रकार से आई, क्या क्या हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, जिसने 1773 से 1785 के बीच में राज किया था यहाँ पर, ठीक है, गवर्नर जनरल बन करके रहा था, इसके समय ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे, प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे, ठीक है, और जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था, ठीक है, इसमें उस समय तीन प्रेसिडेंसियां प्रमुख थीं, जिनमें से आपको तीन प्रेसिडेंसियां थीं, ठीक है, जिनमें बंगाल, मद्रास और बंबई, ठीक है, कौन कौन सी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। एक बार फिर समझो, हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था, समझो क्या था, जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था, इसने 1773 से 85 तक राज किया था, ठीक है, इसके समय ब्रिटिश इलाके जो थे, जहाँ जहाँ पर ब्रिटिश लोगों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, वो सारे के सारे इलाके, जैसे इन्होंने 50 इलाकों में अपना नियंत्रण स्थापित किया, तो पूरे के 50 के 50 इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे, कि भाई एक ये प्रशासनिक इकाई, यहाँ पर अलग प्रशासन व्यवस्था है, ठीक है, यहाँ पर मतलब एक अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त एक अधिकारी जो कि यहाँ पर प्रशासन चलाता है, एक ये है, एक ये, तो कई सारी प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे, जिनको प्रेसिडेंसी कहा जाता था, ठीक है। अब जितने भी ये प्रशासनिक इकाइयाँ थीं, ठीक है, उस समय तीन प्रेसिडेंसियाँ यानी कि तीन प्रशासनिक इकाइयाँ थीं, जिनमें से एक मिलती है आपको बंगाल, मद्रास और बंबई, ये तीन प्रेसिडेंसियाँ उस समय थीं, ठीक है, 1773 से 85 के बीच में, कौन कौन सी, बंगाल, मद्रास और बंबई, ठीक है। हर एक शासन, हर एक का जो शासन था गवर्नर के पास होता था, और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था, ठीक है, सबसे ऊपर हेड पर गवर्नर जनरल होता था। आज भी देखो गवर्नर सबसे ऊपर होता है, गवर्नर का ये काम होता है कि जो राज्य में मुख्यमंत्री है वो जो भी काम कर रहा है उसको ये देखें कि ये नियम के अनुसार हो रहा है, संविधान को पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासनिक सुधार भी किए थे न्याय के क्षेत्र में, उसके सुधार खास तौर से बहुत ही उल्लेखनीय है, जो भी वॉरेन हेस्टिंग ने जो सुधार किए थे उनमें जो इसने न्याय के क्षेत्र में काम किया तो बहुत ही मतलब उल्लेखनीय, इसका बहुत ही उल्लेख किया गया, ठीक है। 1772 में एक नई व्यवस्था के तहत उसने प्रत्येक जिले को दो अदालतों, जितने भी जिले थे सभी जिलों में दो अदालतों, एक फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना की, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत ही अच्छा काम बताया जाता है जो कि वॉरेन हेस्टिंग ने किया था 1772 में, याद रखना 1772 में इसने दो अदालतों की स्थापना की, जिसमें से एक थी फौजदारी और दूसरी थी दीवानी अदालत। दीवानी अदालत के मुखिया जो होता था वो यूरोपीय जिला कलेक्टर होता था, यूरोप से आया हुआ जिला कलेक्टर होता था जो कि दीवानी अदालत का मुखिया होता था, ठीक है। फौजदारी अदालतें जो थीं वो अभी भी काजी यानी कि न्यायाधीश और मुफ्ती, जो मुसलमान समुदाय का एक न्यायविद जो कानून को की व्याख्या करता है, जो मुसलमान समुदाय का न्यायविद होता था, ठीक है, जिसे मुफ्ती कहा जाता है। मुफ्ती के बारे में हमने क्लास 6 एंड क्लास 7 में पढ़ा है, ठीक है, मुफ्ती के बारे में। काजी को भी न्यायाधीश कहा जाता है, तो इनके अंडर में ये आपकी फौजदारी अदालतें आती थी, ठीक है। इसके अलावा लेकिन वे कलेक्टर के निगरानी में काम करते, जो ये काजी और मुफ्ती थे ये कलेक्टर के अंडर में काम करते थे। अच्छा, जो ब्राह्मण पंडित थे, धर्मशास्त्र थे, ये क्या करते थे, जो ब्राह्मण पंडित थे ये धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। अब ऐसे समझो, आपने कई बार देखा होगा एक शब्द के दो तीन अर्थ निकलते हैं, ठीक है, एक शब्द के दो तीन अर्थ निकलते हैं। हमारे यहाँ के ब्राह्मण पंडितों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जैसे कि कोई कानून बनाया, ठीक है, अंग्रेज एक कानून लेकर के आए, ठीक है, अंग्रेजों ने कानून का अर्थ कुछ और बताया, ठीक है, और जो हमारे ब्राह्मण पंडित थे ये क्या करते थे, अपने धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से उस कानून की अलग अलग व्याख्या कर देते थे कि भाई इस कानून का अर्थ ये हुआ। यानी कि हम दो आप देखते नहीं हो, जैसे कि भाई क्या होता था, मतलब ज़्यादा आजकल क्या है, हमारे के जो वकील लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, ठीक है, तो मतलब कानून को भी चुनौती दे देते हैं कभी कभी, और मतलब हारा हुआ केस भी जीत लेते हैं, हारा हुआ केस, अब बिल्कुल दोषी हों, दोषी होने पर भी जीत लेते हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण पंडित थे बहुत ही विद्वान हुआ करते थे, तो ये लोग क्या करते, जो स्थानीय कानून थे उनकी अलग अलग व्याख्या कर देते थे, जैसे कि वो कोई बात लेकर के आए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो कि आज भी चल रहा है। उसमें क्या था, पहले क्या होता था, जो गरीब लोग होते थे वो अमीर लोगों से क्या लेते थे, ब्याज पर कर्जा लेते थे, ठीक है, ब्याज पर कर्जा लेते थे, जो कर्जा लेकर के आते थे तो कर्जे के ऊपर ब्याज चलता था,
ठीक है। और क्या होता था, गरीब लोग कर्जा चुका नहीं पाते थे तो लंबे समय तक कर्जा चलता रहता था, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। तो एक टाइम ऐसा आता था कि वो गरीबों की पूरी संपत्ति हड़प लेते थे और उनको गुलाम बना लेते थे। और ये जो कर्जा था ये लंबे समय तक 8, 10, 12, 13 साल तक, मतलब पूरे जीवन भर वो चुका ही नहीं पाते थे और वो उनके गुलाम बन जाते थे। तो अंग्रेजों ने इसके लिए क्या किया, एक कानून लेकर किया कि कोई भी कर्ज 3 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। 3 साल में उस कर्ज को समाप्त करना ही होगा, या तो आप उनसे ले लो, ठीक है, या तो फिर उस कर्ज को क्या करो, बिल्कुल भी छोड़ दो, ठीक है। 3 साल से ज़्यादा कोई भी कर्ज नहीं चलेगा। हमारे यहाँ के जो लोग थे वो प्रचंड विद्वान, उन्होंने क्या किया, 3 साल तक, मतलब जो मेन रुपए लेकर जाते थे उसके ऊपर 3 साल तक ब्याज चलाते थे, ठीक है। 3 साल के बाद जो मेन पैसा था और जो ब्याज बना, ब्याज को भी मेन बैलेंस में ही ऐड कर लिया जाता और फिर उसके ऊपर और ब्याज चलाने लगते थे। यानी कि 3 साल बाद एक नया स्टार्ट कर दिया, जैसे कि उसने आप गए, आपने 5 रुपए लिया, ठीक है, और 5 रुपए के ऊपर 3 साल तक ब्याज चल करके हो गया कितना, 5 के 7 रुपए हो गए, ठीक है। 3 साल बाद क्या है कि 7 रुपए को ख़त्म करना है, लेकिन ये लोग ख़त्म नहीं करते थे, इन्होंने क्या किया, 7 रुपए मेन बैलेंस मान लिया और 7 रुपए के ऊपर ब्याज चलाने लगे, ठीक है। इन्होंने उसको अलग ही व्याख्या इसकी दे डाली, ठीक है। इसी प्रकार जो ब्राह्मण पंडित थे वो धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से जो स्थानीय कानून अंग्रेज बनाते थे उनकी अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को ख़त्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। मतलब क्या है कि अंग्रेज मतलब पंडितों से जीत तो पा नहीं रहे थे, क्योंकि विद्वान थे, प्रचंड विद्वान थे, वो कोई कानून ला देते ये उसका अलग ही मतलब एक पूरा व्याख्या कर देते थे कि भाई आप ये कानून लाए, हम इसका अर्थ ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, पंडितों को ही इसमें शामिल कर लिया, 11 पंडितों को क्या किया, ये काम सौंपा, ठीक है, कि कानून का एक संकलन तैयार करो, उनको कानून का संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। कब, 1775 में। एनबी हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 में यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानून की भी एक संहिता को तैयार कर ली गई, ठीक है। क्या हुआ, 1775 में जो हमारे के पंडित हैं उनको एक काम सौंपा गया और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की एक संहिता तैयार कर ली गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय, जिसको 1774 में स्थापित किया गया था, ठीक है, इसकी स्थापना की गई। क्या, किसकी की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1774 में, याद रखना, सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, किसके तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत की, सदर निजाम अदालत की भी स्थापना की गई। तो ये सब कुछ स्थापना की गई। अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल है, कन्फ्यूजन वाला आता है। देखो, अदालत की स्थापना की गई ये बात अलग की है, ठीक है, जो इन्होंने अपना कानून तैयार किया वो चीज अलग की है, ठीक है। तो 11 पंडितों ने अपना एक अलग कानून तैयार किया था और 1778 तक आते आते जो यूरोपीय न्यायाधीश थे उनके लिए मुस्लिम कानून की भी एक संहिता को तैयार कर लिया गया था, ठीक है। और हिंदुओं के लिए, मतलब जो हमारे के पंडित थे, उन्होंने तो एक मतलब अलग ही कानून का संकलन तैयार करने का काम उनको सौंपा गया था, जो उन्होंने किया था। अच्छा, धर्मशास्त्र किसे कहते हैं, यहाँ पर ये भी एक सवाल आता है जो हमने धर्मशास्त्र के बात की। यहाँ पर संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की गई, ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे, ठीक है। मतलब जो ये धर्मशास्त्र होते थे, संस्कृत की कुछ पुस्तकें थी जिनमें सामाजिक नियमों के बारे में, समाज में आचरण कैसे रखा जाए, इसके सिद्धांतों की व्याख्या की गई थी, इसके नियमों की, रूल्स की व्याख्या की गई थी। ये जो धर्मशास्त्र थे ईसा मसीह के जन्म के 500 वर्ष पूर्व, यानी कि 2700 वर्ष नहीं कह सकते, मतलब अभी 2022 चल रहा है, ठीक है, तो 2722 साल पहले, 2722 साल पहले ये धर्मशास्त्रों की रचना की गई थी आज से, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना 1774 में की गई थी। इसके अलावा कलकत्ता में भी उसी टाइम पर अपीली अदालत के, सदर निजाम अदालत की भी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है ये वाला आपका वॉरेन हेस्टिंग होगा यहाँ पर, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग लिखा, वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से नहीं चलाने के लिए आरोप जड़ दिया और इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो कि 7 साल तक चला था, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग जो था, अगर आप देखोगे तो वॉरेन हेस्टिंग ने यहाँ पर मतलब काफ़ी सारे सुधार किए थे न्याय के क्षेत्र में, ठीक है। 1772 में इसने एक नई व्यवस्था का स्थापना की जिसमें 2 अदालतें इसने बनाई थी, फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना की थी, ठीक है। फिर इसने ही मतलब यहाँ पर इसने मतलब क्या है कि कानूनों को संकलन तैयार करने का काम सौंपा था। इसने ही मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यहाँ पर क्या किया था, मतलब यहाँ पर
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी इसने ही करवाई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। तो इसने कई सारे काम किए थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जब यहाँ से लौट करके वहाँ पर इंग्लैंड गया तो वहाँ पर एडमंड बर्के थे, ठीक। इन्होंने इसके ऊपर बंगाल का शासन सही ढंग से नहीं चलाने के लिए एक आरोप जड़ दिया और महाभियोग इसके ऊपर ब्रिटिश संसद में चलाया गया, जो कि 7 साल तक महाभियोग इसके ऊपर चला था। महाभियोग किसे कहते हैं? तो जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन के किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है, मतलब जो हाउस ऑफ कॉमन में मतलब वहाँ पर जो भी मतलब सदस्य होते थे उनके ऊपर जब कोई दुराचरण का आरोप लगता था तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि संसद का ऊपरी सदन उसमें उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, जिसे महाभियोग कहा जाता है। तो याद रखना, जो वहाँ का सदन था उस सदन का कोई व्यक्ति जिसके ऊपर दुराचरण का आरोप लगा हो, ठीक है, अगर वो दुराचरण का उसके ऊपर आरोप लगता है तो उसके ऊपर एक महाभियोग लगाया जाता है जिसके खिलाफ मुकदमा चलता है, ठीक है। अब कंपनी की फौज कैसे तैयार की गई थी इसको भी यहाँ पर देख लो। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब एक बात समझो, यही कुछ पिछला वीडियो 39 मिनट का था, उससे पहले का 30 मिनट का था, तो अगर हम एक पार्ट में पूरी को करते हैं तो कितना बड़ा वीडियो जाता है, ये एक तीसरा पार्ट इतना बड़ा जा रहा है। कंपनी की फौज के बारे में कहा जा रहा है, 18वीं सदी में अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैन्य प्रशिक्षण दिया जाने लगा। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय आर्मी का सिपॉय यानी जो भारतीय शब्द सिपाही से इससे बनाए सिपॉय आर्मी कहते थे। अब समझो यहाँ पर 18वीं शताब्दी यानी कि 1700 के आसपास 1700 से 1800 के बीच में क्या हुआ, अवध और बनारस जैसी जो रियासतें थीं उनमें जो किसान थे, ठीक है, किसानों को भर्ती किया गया। पहले के जो किसान थे बहुत ही ताकतवर हुआ करते थे, क्योंकि वो पहले अभी भी देखो क्या है कि हमारे के जो वृद्ध लोग हैं वो बताते हैं कि सुबह उठते उठते वो मट्ठा पिया करते थे, दही पिया करते थे, आज हम लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। पहले के लोग बताते कि भाई हम मतलब ये मट्ठा जो थे ना पूरा का पूरा लोटा पूरे के पूरे मतलब हांडी पूरी मलाई मलैया भर के पूरा का पूरा दूधाड़ी भर के दूध रखा जाता, बहुत दूध दही मट्ठा पिया करते थे पहले के लोग, ठीक है। तो उनके पास में ताकत बहुत होती थी, तो किसानों को इन्होंने अपने पेशेवर सैन्य प्रशिक्षण दिया और अपनी सेना में शामिल किया। इनके अंग्रेजों की सेना को पहले सिपॉय कहा जाता था, जो कि हमारे सिपाही से ही निकला है, ठीक है, सिपॉय आर्मी लोग कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीकी में बदलाव आने लगे वैसे से क्या हुआ, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होने लगी। देखो क्या हुआ, 1820 के दशक तक आते आते मतलब हमारे यहाँ पर क्या है कि टेक्नोलॉजी में थोड़ा थोड़ा बदलाव होने लगे, तकनीकी बदलने लगी थी, ठीक है, मतलब यहाँ पर आधुनिक तकनीकी जहाँ बड़े तौर से आने लगी थी। तो इसमें क्या हुआ, घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरतें कम होने लगी। अच्छा, घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरतें क्यों कम होने लगी, घुड़सवार लोगों के पास में जो मेन हथियार होते थे वो कौन से थे, तलवार और भाला, ठीक है। लेकिन उस समय तक क्या हुआ था, बंदूकें आ गई थी, ठीक है। तो 1820 के दशक तक जैसे जैसे युद्ध तकनीकी बदलने लगी तो कंपनी ने जो सेना में घुड़सवार लोग रहते थे उनकी आवश्यकता कम हो गई। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा अफगानिस्तान और मिस्र में लड़ रहा था, वहाँ उन्होंने सिपाही मस्केट और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाही को बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान रखना पड़ा और जब उसकी और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। देखो क्या हुआ यहाँ पर, 1820 के दशक तक आते थे क्या हुआ, हमारे यहाँ पर तकनीकी बदलने लगी और जब तकनीकी बदलने लगी तो जो बंदूक थी बंदूक की आवश्यकता ज़्यादा पड़ने लगी, लोग बंदूकों को ज़्यादा प्रेफर देने लगे, बंदूकें ज़्यादा सेना में आने लगी। अच्छा, जो घोड़े पर सिपाही सवार होते थे उनका मेन हथियार क्या होता था, तलवार और भाला। अगर आपके पास में आप घोड़ा के ऊपर बैठे हैं और आपको बंदूक दी जाए तो बंदूक चलाना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि पहले एक तो आपको घोड़े को भी संभालना है, ठीक है, स्वयं को भी संभालना है और बंदूक को लोड भी करना पड़ता था और पहले की जो बंदूक होती थी उसको लोड करना बहुत ही मुश्किल होता था। तो इनको क्या हुआ, घुड़सवारों की जो टुकड़ियाँ थी उनकी जरूरत इनको कम होती गई, तो उन्होंने घुड़सवारों की संख्या कम कर दी, ठीक है। साथ ही साथ जब ये बर्मा अफगानिस्तान और मिस्र में लड़ रहे थे तो वहाँ पर जो सिपाही थे वो मस्केट यानी तोड़ेदार बंदूक और मैच लॉक से लैस होते थे। मस्केट का अर्थ होता है, ठीक है, पैदल सिपाही द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक, ठीक है, पैदल सिपाही जो चलते थे उनके द्वारा भारी भारी बंदूकों का इस्तेमाल किया जाता था, तो इन बंदूकों मतलब इसे मस्केट कहा जाता था, ठीक है। और मैच लॉक किसे कहते हैं, शुरुआती दौर में बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, ठीक है, ऐसी पहले बंदूकें शुरुआती दौर में चली थी जिनमें माचिस से चिंगारी दी जाती
जाती थी और उसके बाद में वो बंदूकें चलती थी, ठीक है। तो क्या हुआ, जब ये मिस्र, बर्मा और अफगानिस्तान में युद्ध लड़ रहे थे, तो उसमें जो जहाँ पर सिपाही जो थे, जहाँ सिपाही मस्केट और मैच लॉक से लैस थे, कंपनी के सेना में सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ा और अब उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। उन्होंने क्या किया, जो पैदल सिपाही चलते थे उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे और घोड़ों वालों को कम इंपॉर्टेंस देने लगे। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजी एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे, यानी समान रूप की सैनिक संस्कृति उन्होंने विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा कि भाई आपको बिल्कुल अनुशासन में रहना है और अभ्यास भी पूरा करना है, प्रशिक्षण देने लगे, यानी ट्रेनिंग देने लगे। उनका जो जीवन था, अब उनका जीवन सबसे पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित हो गया, यानी कि पहले क्या था, जो सिपाही थे वो अपने मनमर्जी से मतलब लड़ाई लड़ते थे, लेकिन अब क्या हुआ, उनका जो जीवन था पूरा कंट्रोल में आ गया था, पूरा कंट्रोल सिस्टम मतलब एक पूरा अनुशासन में आ गया था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जा रही थी, क्योंकि जो पेशेवर सिपाही थे उनकी सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और सिपाही की संभावनाओं को भी नज़रअंदाज कर देते थे। और भाई याद रखना, हमारे यहाँ पर जाति व्यवस्था पहले चरम सीमा पर थी। ब्राह्मण कहते थे कि भाई हम जो नीची जात से नहीं बात करेंगे, ठीक है। ब्राह्मण कहते थे कि भाई जो नीचे के दलित लोग हैं, ठीक है, ब्राह्मण उनके साथ में नहीं खाएंगे पिए। दलित कहते थे जो हमसे नीचे के हैं उनके साथ क्यों खाएं पिए, और जो नीचे वाले वो कहते कि भाई हमसे नीचे जो है वो हम उनके साथ में क्यों खाएं पिए। तो मतलब सब एक दूसरे से जाति व्यवस्था में जुड़े हुए थे, ठीक है। इसलिए जब ये अंग्रेजों ने यहाँ पर मतलब पेशेवर सैनिक की एक सेना खड़ी की, तो इसके चक्कर में जाति और समुदाय की संभावनाओं में काफ़ी ये मतलब टकराते रहते थे, ठीक है, नज़रअंदाज कर देते, जिससे क्या हुआ, कभी कभी मतलब टकराव पैदा हो जाए, जैसे कि भाई हिंदू और मुसलमान में टकराव चलते रहते थे। हिंदू कहता था मुसलमान के साथ में बैठकर खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, और मुसलमान मतलब अलग किस्म के थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब कभी कभी ये लोग नज़रअंदाज कर देते थे कि भाई हम जाति व्यवस्था को ध्यान में नहीं रखेंगे, हम हिंदू मुस्लिम को ध्यान में नहीं रखेंगे। इन्होंने संभावना जो यहाँ की ये भावनाएँ थी, इनका बड़ा ही मतलब आदर नहीं किया था। आगे बढ़ते इसको लेकर के फिर आगे चल करके जो 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, 1857 की, इसमें हम देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसका प्रभाव क्या पड़ा था, वो आगे पढ़ने को मिलेगा। अब इसका पूरा निष्कर्ष क्या निकलता है पूरे चैप्टर का निष्कर्ष यहाँ पर पढ़ो। 18 देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। यहाँ पर व्यापारिक कंपनी बनकर के आई थी, धीरे धीरे एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई, ठीक है। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकी के आने से, देखो नई भाप तकनीकी जिससे आपने स्टीम इंजन देखा, ठीक है, ये नई भाप तकनीकी से बनी थी। तो जब ये नई भाप तकनीकी आ गई, तो इस प्रक्रिया के आने से क्या हुआ था, के आने से ये प्रक्रिया और भी तेज हो गई, यानी कि इनकी जो सत्ता थी वो और भी तेज बढ़ने लगी। तब तक क्या था, मतलब जब तक ये नई भाप तकनीकी नहीं आई थी, तब तक समुद्री मार्ग से भारत पहुँचने में 6 से 8 महीने का समय लगता था अंग्रेजों को। अपने देश से यहां पर आने में 6 से 8 महीने का टाइम पूरा लग जाता था। भाप से चलने वाले इंजन जब आ गए, ठीक है, और ये जब जहाजों में लगा दिए गए, ठीक है, तो जहाज थे, इससे यात्रा 3 हफ्ते में पूरा समेट जाता था। 3 हफ्ते में पूरा भारत के लोग पहुंचने लगे। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज अपने परिवार, उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे, यहाँ पर पूरे के पूरे परिवार के साथ में आने लगे, आदमी बीवी बच्चे सब कुछ लेकर के आने लगे और यहाँ पर ही रहने भी लगे, काफ़ी का अपनी कॉलोनी बसाने लगे, अपने स्थान बसाने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% एरिया में भूभाग और 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया था। जो हमारे देश की 78% आबादी थी वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई थी और 63% जो इलाका था वो पूरा अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था, ठीक है। देश के शेष भूभाग आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव था, जैसे कि आपका अफगानिस्तान वाला इलाका हो गया, तो वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से पूरा का पूरा प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी, मतलब पूरे भारत पर इनका धीरे धीरे राज्य स्थापित हो गया था व्यवहारिक रूप से, ठीक है। कब, 1857 तक आते हैं, तो 1857 में ये पहली क्रांति हुई थी जिसके बारे में मांगे डिस्कस करेंगे। इसी टाइम पर क्या था, दक्षिण में एक दास प्रथा भी चल रही थी जिसके बारे में देख लेते हैं। तो डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, जल्द ही दास व्यापार भी शुरू हो गया वहां पर, ठीक है। लोगों को बंधक बनाया जाता, जंजीर
जंजीरों में, ठीक है, जंजीरों में बांध कर दास से बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की जो संख्या थी वो 36,774। देखो क्या हुआ, जब डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे तो वहां पर बहुत ही जल्दी उसी टाइम पर क्या हुआ था, दास व्यापार शुरू हो गया। दास व्यापार यानी कि लोगों को गुलाम बनाया जाता, अपना दास बनाया जाता, फिर उनको बेचा जाता, ठीक है, इंसानों को बेचा जाने लगा था। लोगों को बंधक बनाते थे, जंजीरों में बांधते थे और उनको बाजारों में बेचते थे। बोली लगाई जाती थी बाकायदा कि भाई ये एक व्यक्ति खड़ा है, ये औरत है, मतलब इसका एक बाकायदा मतलब बात भी कही गई कि एक महिला थी, ठीक है, उसके दो बच्चे थे, एक बेटी थी एक बेटा था, और मतलब महिला की बोली लगाई जा रही थी और बेटी बेटा की अलग बोली लगाई जा रही थी। एक कहीं गई, एक कहीं गया, एक बच्चे रो रहे थे, महिला भी रो रही थी, छोटे छोटे बच्चे थे, तो इस प्रकार से पहले वहाँ पर बोलियाँ लगाई जा रही थी। और इस प्रकार से हमारे भारत देश में भी हुआ है, केवल वहीं पर नहीं हुआ, जब हमारे यहाँ पर मुगल आए थे तो मुगलों ने यहाँ की जो औरतें थी उनको पकड़ के ले गए अफगानिस्तान में, विदेशों में बहुत उनकी बोलियाँ लगाई थी, उनको बेचा था, निर्वस्त्र करके बोलियाँ लगाते थे, ठीक है, खूबसूरती को दिखाते, ऐसे बहुत सारी बोलियाँ लगाई जाती जो कि बहुत ही बुरी, ये हमारे लोगों का इतिहास रहा है, जिसके बारे में हम जब इसके डिटेल वीडियो जब पार्ट टू मतलब इसको जब सेकेंड फेज में एनसीईआरटी की स्टडी करेंगे यूपीएससी वालों के लिए स्पेशली, तब हम उसमें इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1838 में दास प्रथा का अंत हुआ था और इस समय पर अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की जो संख्या थी, मतलब जो एक व्यक्ति के निजी दास थे वो कितने थे, 36,774 निजी स्वामित्व में, ठीक है, दक्षिणी सिरे पर केप में, जो केप इलाका है जिसके बारे में हमने पार्ट टू में पढ़ा था, जहाँ से अंग्रेज होकर के आए थे, तो वहाँ पर आप दक्षिण अफ्रीका के पास में केप है, एक बार दिखा देते हैं हम आपको ताकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा यकीन आ जाए केप कहाँ पर है और कैसा है केप, बहुत ही इंपॉर्टेंट केप वाला इलाका, ठीक है। पार्ट वन में हमने केप के बारे में पढ़ा था जहाँ से होकर के अंग्रेज आए थे, पार्ट वन में ही दिया गया है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं केप को कहाँ है, ये वाला केप आपका केप ऑफ हो, ठीक है, ये दक्षिणी अफ्रीका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 36,000 से ज़्यादा इनकी संख्या दिखाई गई है, तो यहाँ पर दास व्यापार बहुत तेज़ी से चल रहा था जिसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो इसके बारे में हमने आज कर पढ़ा, ठीक है। आज हमने मराठों की लड़ाई पढ़ी, टीपू सुल्तान की लड़ाई पढ़ी, सर्वोच्चता का दावा देखा, किस प्रकार संग्रहों ने सर्वोच्चता का दावा किया, विलय नीति पढ़ी, नई शासन व्यवस्था ये कैसे लेकर के आए, ठीक है, दीवानी और मतलब अदालत किस प्रकार से लाए, फौजदारी अदालत, ठीक है। इसके अलावा मतलब इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की, ठीक है, धर्मशास्त्र किसे कहते हैं, महाभियोग किसे कहते हैं, कंपनी की फौज कैसे तैयार हुई, फौज पूरी की पूरी, ठीक है, इसका आधुनिकीकरण कैसे किया, निष्कर्ष भी देख लिया, ठीक है। यहाँ पर 36,774 लोगों की पूरे के पूरे दासों की संख्या थी जो कि हमने देख लिया। अब हमारे आज के इस चैप्टर में इतना ही था, एक कमेंट आया था पार्ट वन में, देखो आप तीनों पार्ट देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपने बहुत सारा पोर्शन छोड़ दिया। जी हाँ, इसके तीन पार्ट बनाए थे इसलिए इसका पार्ट वन में पोर्शन छोड़ना पड़ा। आप अगर डिटेल में सारे वीडियो देखेंगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। जिन्होंने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट वहाँ पर हमने दिए हैं, मतलब टेलीग्राम पर हम आपके लिए जो भी आपके सवाल होते हैं उनका उत्तर मिल जाता है। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, अगर आपके उनमें कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पर आप हमसे पूछ सकते हैं, एंड नोट्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की लिंक दे दी, अदरवाइज आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी नोट्स ले सकते हैं। एक बात रखना, नोट्स के लिए पेमेंट करना होगा, ठीक है, बहुत थोड़ा पेमेंट रखा है अभी, क्या है कि चैनल पर ज्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है और आप लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे, इसलिए पेमेंट लेना पड़ रहा है, हमें भी अपना खर्चा चलाना है किसी न किसी तरह से, तो ये थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा जिससे हम आगे बढ़े और नोट्स को फ्री कर दिया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।